अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। ये हम आज गाय परचेज़ करने आए हैं जी, अपने घर की दूध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। चलें आपको दिखाते हैं कि हम किस नस्ल की गाय ख़रीदते हैं और कितने में मिलती है, कितना दूध देती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कहते हैं कि इन गाय का नाम है, आप नाम से पुकारेंगे और आ जाएंगी हैं जी। बुलाएं जी ज़रा। ये गाय है जी, ये इस गाय का बच्चा है। ये भी हम नहीं ले रहे जी, क्योंकि इसका बच्चा मर गया। वो कहते हैं इसको टीका लगा के दूध निकालना पड़ता है और वो भी ठीक नहीं, दूध पीने में समझें कि वो जहर है। ये देखें जी, नाम से इन्होंने बुलाया है और माशाल्लाह से गाय आ गई। इसका क्या नाम है? माजी। वापस बुलाएं इसको जरा। माजी, माजी। माशाल्लाह। और इस गाय का क्या नाम है? फजल। ये गाय है जी, ये इस गाय का बच्चा है। इसका क्या नाम है? अच्छा, सब गाय का आपने नाम रखा हुआ और नाम से बुलाते हैं और गाय आती है माशाल्लाह। और इस वाली गाय का? गोरी। गोरी का ये बच्चा है माशाल्लाह। गोरी, ये गोरी है जी। ये सारी इस टाइम जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये चोलिस्तानी नस्ल की गाय है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए गाय ख़रीदना चाहते हैं तो चोलिस्तानी नस्ल की ही ख़रीदें, क्योंकि इसका दूध माशाल्लाह बड़ा ही घना गाढ़ा दूध होता है, बिल्कुल भैंस के दूध की तरह। अगर आप भैंस के दूध के शौकीन हैं या घर में भैंस रखी हुई है, तो उसके बदले आप चोलिस्तानी नस्ल की गाय भी रख सकते हैं। और अगर आपको अपने घर की दूध के लिए रखनी है तो ये बेहतरीन है। अगर आप दूध बेचना चाहते हैं तो फिर आप जर्सी फ्रीजियन नस्ल की गाय रख सकते हैं, क्योंकि उनकी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चोलिस्तानी गाय आपको अच्छी गाय 10 से 12 लीटर दे देगी या मैक्सिमम 14 लीटर दे देगी, उसके बाद फिर क्रॉस हो जाती हैं जो जर्सी फ्रीजियन से, वो ज़्यादा दूध देती हैं। मगर ये है कि इनका दूध घर में इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, चाय के लिए, हर किस्म के लिए, लस्सी दही के लिए बड़ा ही बेहतरीन है, घना दूध है, गाढ़ा। जर्सी फ्रीजियन दूध तो ज़्यादा देती है, बिल्कुल पतला पानी की तरह दूध होता है। इसी वजह से दूध पीने वाले शौकीन ज़्यादातर घरों में अपने इस्तेमाल के लिए भैंस रख लेते हैं, तो ये भैंस का अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि गाय का दूध डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है, हज़म भी जल्दी हो जाता है, और ये चोलिस्तानी का दूध गाढ़ा भी है। चलें आपको दिखाते हैं कि हम किस किस्म की गाय परचेज़ करते हैं। ये भी हम नहीं ले रहे जी, क्योंकि इसका बच्चा मर गया। वो कहते हैं इसको टीका लगा के दूध निकालना पड़ता है और वो भी ठीक नहीं, दूध पीने में समझें कि वो जहर है, ना ख़ुद पिए किसी दूसरे को आप दें। ये बच्चा ना हो तो ये टीका लगाते हैं, टीके की वजह से, टीके के असर से ये दूध थनों में उतार आती है, तो वो ठीक नहीं है, ज़बरदस्ती दूध लेने वाली बात है, तो किसी नई जगह पे चलते। ये फाइनली जी, हमने पूरा दिन घूमने के बाद, कोई 40-50 गाय देखने के बाद, बिलाखिर हमने वही दो गाय ख़रीदी हैं जो सबसे पहले हमने देखी थी। ये माशाल्लाह दो टाइम का 10-10 किलो दूध दे रही हैं, मतलब 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को। और इनके नीचे बच्चे भी हैं, बच्चे तकरीबन इनके 20-20, 25-25 दिन के हो गए हैं। और अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो ये दोनों गाय हमें 4,14,000 में मिली है, मतलब एक गाय एवरेज हमें 2,07,000 की पड़ गई है। 10 किलो पर डे इनका दूध है और साथ इनके बच्चा भी है। और चोलिस्तानी गाय ख़रीदने की एक वजह और भी थी कि इनका दूध माशाल्लाह से मीठा होता है, आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो टेस्ट के साथ साथ बचत भी है, कि चीनी भी आजकल बहुत महंगी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।